बिग बॉस 13 फेम और पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज़ गिल इन दिनों अपने नए म्यूजिक वीडियो को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। हाल ही में शहनाज़ और गुरु रंधावा का नया सॉन्ग मून राइस रिलीज हुआ है, जो फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके अलावा एक्ट्रेस अपने चैट शो देसी वाइब्स विद शहनाज़ गिल के जरिए भी खूब धमाल मचा रही है। अब हाल ही में इस शो में एक्ट्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में शहनाज़ गिल ने बताया कि उन्होंने खुद को डायमंड रिंग गिफ्ट की है। देसी वाइब्स विद शहनाज़ गिल के लेटेस्ट एपिसोड में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपनी हालिया रिलीज छतरी वाली का प्रमोशन करने के लिए पहुंची थी। शो के दौरान रकुल ने शहनाज़ गिल की डायमंड रिंग नोटिस करते हुए कहा, यह बहुत खूबसूरत है लेकिन गलत उंगली में है, किसी ने आपकी इस उंगली के लिए रिंग नहीं खरीदी। तो इस पर शहनाज़ गिल ने कहा, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और बातों ही बातों में शहनाज़ ने रकुल को बताया कि ये रिंग उन्होंने खुद को गिफ्ट की है। शहनाज़ गिल ने बताया कि उन्होंने खुद के लिए आखिर डायमंड रिंग क्यों खरीदी है। एक्ट्रेस ने बताया, मैंने ये रिंग इसलिए खरीदी जिससे किसी को मुझे देनी ना पड़े। शहनाज़ के बाद रकुल ने भी बताया कि 3 साल पहले उन्होंने भी खुद के लिए डायमंड रिंग खरीदी थी। बता दें कि शहनाज़ के लिए इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियोस में जमकर धूम मचा रही है। गणी सयानी के बाद अब शहनाज़ का नया गाना मून राइज रिलीज हुआ है। इस गाने में शहनाज़ की गुरु रंधावा के साथ जोड़ी फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। इसके अलावा एक्ट्रेस शहनाज़ गिल जल्दी सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली है। ये फिल्म 21 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।